हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में रविश माइक्रोबायोलॉजी में। तो आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, और वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम लिविंग सेल। तो अब तक हमने सुना होगा कि डीएनए को हम ये यूज़ करते हैं, वहाँ यूज़ करते हैं, लेकिन डीएनए को यूज़ करेंगे कैसे विदाउट प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, वो भी एक कारण हम सबका देखेंगे कि बैक्टीरिया में से, फाज में से प्लाज्मिड कैसे निकाले, इसके बाद देखेंगे आरएनए कैसे निकाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ मेरे सीएसआर नोट के बारे में, अगर आप सीएसआर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं पर्पज़ क्या है डीएनए एक्सट्रैक्शन का। टू ऑब्टेन डीएनए इन अ रिलेटिवली प्यूरिफाइड फॉर्म विच कैन बी यूज फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन पीसीआर और सिक्वेंसिंग। यानी कि डीएनए को हम निकालते क्यों है, पहला तो बहुत थोड़ा होगा तो उसको निकाल के हम उसका पीसीआर कर सकते हैं, यानी कि उसकी अमाउंट बढ़ा सकते हैं, और या फिर कोई सिक्वेंसिंग कर सकते हैं। मेनली इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इसको निकालते हैं, और वो भी क्लोनिंग के लिए भी निकालते हैं। उसके पहले हम पीसीआर रन करते हैं, क्योंकि उसकी जो अमाउंट है वो स्मॉल होती है तो वो बढ़ जाए, ये उसका पर्पज़ है। अभी तीन हम जगह से डीएनए निकालेंगे। एक तो टोटल डीएनए निकालेंगे, यानी कि सेल का पूरा डीएनए जो न्यूक्लियस में होता है वो, फिर निकालेंगे प्लाज्मिड डीएनए, और फिर बात करेंगे बैक्टीरियोफाज डीएनए की। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक प्रोटोकॉल क्या है किसी भी डीएनए आइसोलेशन का, तो दो टेक्निक उसमें यूज होती है। पहले क्या है कि सेल को लाइस कर दो, सेल को लाइस कर दो यानी कि डीएनए उसका बाहर आ जाएगा। और फिर क्या है, एंजाइमेटिकली और केमिकल मेथड टू रिमूव कंटामिनेंट प्रोटीन और आरएनए और मैक्रोमोलेक्यूल। यानी सबसे पहले सेल को लाइस कर दो, क्योंकि सेल में ही हमारा डीएनए होने वाला है। सेल को एक बार तोड़ दिया तो डीएनए बाहर आ गया। सिर्फ डीएनए नहीं होगा, प्रोटीन भी होगा और आरएनए भी होगा। अगर बात करें बैक्टीरिया की, तो क्या करेंगे हम, एंजाइमेटिकली या केमिकली प्रोटीन एंड आरएनए को हम डिग्रेड कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ डीएनए बचेगा। ये बेसिक प्रोटोकॉल है। तो पहली बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ टोटल सेल डीएनए, यानी कि न्यूक्लियस में जो टोटल सेल डीएनए है उसको हम प्यूरीफाई कैसे करें। द प्रोसीजर फॉर टोटल डीएनए प्रिपरेशन फ्रॉम अ कल्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर स्टेज, वो चार स्टेज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला, अ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इज ग्रोन एंड देन हार्वेस्टेड। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, बैक्टीरिया की अमाउंट बढ़ाएंगे, क्योंकि जितनी बैक्टीरिया की अमाउंट बढ़ेगी अल्टीमेटली उतना ज़्यादा हमको डीएनए मिलेगा। तो पहले क्या करेंगे, हम बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे, फिर उसको हार्वेस्ट करेंगे, यानी कि उसको मीडिया से अलग करेंगे। तो वो रहेगा पहला स्टेप। दूसरा, द सेल आर ब्रोकन ओपन टू रिलीज देयर कंटेंट। यानी अब हमको सेल मिल गए, सेल हमने सेंट्रीफ्यूज से हार्वेस्ट कर लिए, अब डीएनए तो सेल के अंदर है, तो क्या करना पड़ेगा, सेल को तोड़ना पड़ेगा, सेल को भी और सेल के न्यूक्लियस को भी, तब भी जो उसका डीएनए है वो बाहर आएगा। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, सेल ब्रोकन टू ओपन देयर कंटेंट, सेल को ब्रोक करना पड़ेगा। दिस एक्सट्रैक्ट इज ट्रीटेड टू रिमूव ऑल कंपोनेंट एक्सेप्ट द डीएनए। जब हम सेल को तोड़ेंगे, न्यूक्लियस को तोड़ेंगे, तो जब बाहर आएगा सब चीज़, तो उसमें सिर्फ डीएनए नहीं होगा, कई प्रोटीन होंगे, एंजाइम होंगे, आरएनए भी होगा। तो उन सबको रिमूव करने वाले स्टेप को क्या बोलेंगे, सेल एक्सट्रैक्ट इज ट्रीटेड टू रिमूव ऑल कंपोनेंट्स, यानी कि जो उसके कंटामिनेंट्स, अभी डीएनए हमारा प्योर फॉर्म है वो हमको चाहिए, तो उसके अलावा जो भी चीज़ है उसको हम बोलेंगे कंटामिनेंट्स, उसमें आरएनए भी आ जाएगा और प्रोटीन भी आ जाएगा, तो वो निकालना पड़ेगा, वो निकालेंगे हम थर्ड स्टेप में। और फोर्थ स्टेप है, द रिजल्टिंग डीएनए सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, यानी कि अभी जो हमारा डीएनए जो चारों बाजू घूम रहा है उसको हम एक जगह पे फिक्स कर देंगे, उसको कंसंट्रेट कर देंगे। तो चार स्टेप में हमने क्या किया, सबसे पहले बैक्टीरिया को ग्रो किया, फिर उसको हार्वेस्ट किया, फिर उनको तोड़ दिया, उनको तोड़ा तो उनका सेल का सारा कॉन्स्टिट्यूट बाहर आ गया, सेल डेब्रिस बाहर आ गया, उसमें से हमने आरएनए प्रोटीन जो भी कंटामिनेंट्स है उसको रिमूव कर दिया। अब जो पूरा सॉल्यूशन है वो हमारा डीएनए वाला सॉल्यूशन है, लेकिन उस सॉल्यूशन में डाइल्यूट हो गया है डीएनए, तो उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, डीएनए को प्रेसिपिटेट करेंगे, जिससे हमें एक स्मॉल वॉल्यूम में ही पूरा का पूरा डीएनए मिल जाए। तो ये बेसिक प्रोटोकॉल है, उसको हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बैक्टीरिया को पहले कि हमने क्या किया, कल्चर किया, फिर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो क्या हुआ, ऊपर जो है वो पूरा मीडिया रह गया और नीचे हमारे सेल आ गए, और इस सेल में डीएनए है, तो क्या करेंगे, सेल को ब्रेकेज करेंगे, तो ये बन गया सेल एक्स्ट्रैक्ट। यानी कि इसमें क्या है, पूरा का पूरा हमारा टूटा हुआ सेल है जिसमें डीएनए भी होगा, फिर उसमें से हमने प्योर किया डीएनए, और फिर उसका किया कंसंट्रेशन, क्योंकि ये पूरे वॉल्यूम में था और हमने इसको छोटे वॉल्यूम में पूरा का पूरा कंसंट्रेट कर दिया। तो ये बेसिक प्रोटोकॉल है डीएनए आइसोलेशन का। तो पहला स्टेप, ग्रोविंग एंड द हार्वेस्टिंग ऑफ बैक्टीरियल कल्चर। मोस्ट बैक्टीरिया कैन बी ग्रोन विदाउट टू मच डिफिकल्टी इन लिक्विड मीडियम ब्रोथ कल्चर। तो मोस्टली हम ब्रोथ कल्चर में ही उसको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। M9 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफाइंड मीडियम। अब दो तरह के मीडिया होते हैं, डिफाइंड एंड अनडिफाइंड।
डिफाइन का मतलब क्या है, जिसके सारे कंपोनेंट्स नोन हो कि कौन सा कंपोनेंट किस सोर्स की तरह बिहेव करता है। लाइक हमने ग्लूकोज डाल, उसमें ग्लूकोज है तो वो ग्लूकोज सोर्स एज अ सोर्स ऑफ कार्बन, हमने पेप्टॉन डाले तो जो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जिसके सारे कंपोनेंट्स नोन हो उसको हम बोलेंगे हम डिफाइन मीडियम, और जिसके सारे कंपोनेंट्स या फिर कुछ कंपोनेंट्स अननोन हो उसको बोलेंगे अननोन और अनडिफाइंड मीडियम। सो M9 किसका एग्जांपल है, वो है डिफाइन मीडियम का, इन विच ऑल कंपोनेंट्स आर नोन। LB मीडिया यानी कि लूरिया बर्टानी मीडिया इज अ कॉम्प्लेक्स और अनडिफाइंड मीडिया, मीनिंग दैट द प्रिसाइज आइडेंटिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इट्स कंपोनेंट आर नॉट नोन, कि उसमें कितनी अमाउंट में और वो किस सोर्स की तरह बिहेव करते हैं कंपोनेंट वो अभी तक डिफाइंड नहीं है, उसको बोलेंगे हम अनडिफाइंड मीडिया, जो कि एग्जांपल है LB मीडियम। तो यहाँ पे दो हमने एग्जांपल देखे, M9 मीडियम डिफाइंड मीडियम, और लूरिया ब्रोथ यानी LB ब्रोथ है वो क्या है, अनडिफाइंड मीडिया। अभी हमने सेल को ग्रो कर लिया, आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट, यानी कि एक बार हमने सेंट्रीफ्यूज, अब सेल को हमने ग्रो कर दिया, फिर उसको करेंगे सेंट्रीफ्यूज हाई स्पीड पे 8,005 मिनट पर करेंगे, तो क्या होगा, सुपरनेटेंट ऊपर रह जाएगा जिसमें मीडिया रहेगा, और नीचे आ जाएंगे सारे सेल्स। अभी हम सेल को तोड़ेंगे, द प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट, दिस टेक्निक फॉर ब्रेकिंग ओपन बैक्टीरियल सेल कैन बी डिवाइडेड इंटू फिजिकल मेथड इन विच द सेल आर डिसरप्टेड बाय मैकेनिकल फोर्स एंड केमिकल मेथड वेयर सेल लाइसिस इज ब्रॉट अबाउट द एक्सपोजर टू केमिकल एजेंट दैट अफेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द सेल बैरियर। यानी कि अब सेल को तोड़ने के लिए हमारे पास दो टेक्निक है, एक तो फिजिकल जिसमें हम मैकेनिकल शेयरिंग करेंगे जिसकी वजह से फोर्स, शेयर फोर्स की वजह से सेल टूट जाएगा, या फिर हम उसको केमिकली केमिकल के अंदर डालेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी सेल मेम्ब्रेन तोड़ देगा या फिर केमिकल उसको तोड़ देगा थ्रू द ऑस्मोसिस और कुछ भी इम्बेलेंस की वजह से। केमिकल मेथड आर मोस्ट कॉमनली यूज विद द बैक्टीरियल सेल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज DNA प्रिपरेशन, जब हमको बैक्टीरियल सेल में से DNA निकालना हो तो केमिकल मेथड इज द बेस्ट, क्योंकि फिजिकल मेथड में क्या हो सकता है कि ज़्यादा अगर हो गया गलती से तो हमारा DNA फ्रेगमेंटेड हो सकता है, DNA टूट भी सकता है। तो लाइसिस रिफर टू द ब्रेकिंग ऑफ सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन, हमको सेल मेम्ब्रेन भी निकालना है और सेल वॉल भी तोड़ना है तभी तो सारा सेल कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर आएगा, स्पेशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि हमारे न्यूक्लियस में ही हमारा DNA है। द सेल वॉल इज डिसरप्टेड बाय मैकेनिकल फोर्स, केमिकल लाइसिस जनरली इन्वॉल्व वन टारगेट अटैकिंग टू सेल वॉल एंड द अनदर डिसरप्टिंग द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जब भी हम केमिकल का यूज़ करेंगे सेल वॉल को तोड़ने के लिए, सेल को डिसरप्ट करने के लिए, तो उसमें मिनिमम दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट क्या करेगा सेल वॉल को तोड़ेगा और दूसरा कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेगा। फॉर द सेल वॉल लाइसिस लाइसोजाइम और इथिलीनमाइड टेट्राएसीटेट EDTA और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जब सेल वॉल, अभी पहले बात करेंगे सेल वॉल तोड़ने के लिए तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं लाइसोजाइम या EDTA, और फॉर सेल मेम्ब्रेन SDS डिटर्जेंट सोडियम डोडेसाइल सल्फेट यूज़ कर सकते हैं। तो इस दोनों का हम मिक्सचर डालेंगे, किसका, लाइसोजाइम SDS का आइदर, EDTA SDS का आइदर, तीनों का। तो ये क्या करेगा, लाइसोजाइम EDTA सेल वॉल को तोड़ेगा और SDS सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट, तो लाइसोजाइम, पहला लाइसोजाइम क्या करेगा, डाइजेस्ट द पॉलीमेरिक कंपाउंड दैट गिव द सेल वॉल इट्स रिजिडिटी, अब उसकी रिजिडिटी निकाल देंगे तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, सेल वॉल क्या हो जाएगी, थोड़ी लूज हो जाएगी। EDTA रिमूव मैग्नीशियम दैट इसेंशियल फॉर द प्रिजर्विंग द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेनुलम एंड द इनहिबिटर सेलुलर DNAs, इसका बहुत बड़ा रोल है। अभी मान लीजिए सेल के न्यूक्लियस में हमारा DNA है, अब बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, उसमें DNA एंजाइम न्यूक्लियस एंजाइम भी रहेंगे, क्यों, क्योंकि जब फॉरेन DNA, जब बैक्टीरियोफेज उसका DNA डालेगा अंदर कहीं भी जब इन्फेक्ट करने के लिए, तो वो उसको तोड़ने के लिए DNA एंजाइम रहेंगे किसमें, साइटोप्लाज्म में। जब हम सेल को तोड़ देंगे तो सब कुछ कहाँ आ जाएगा, साथ में आ जाएगा DNA और DNA भी, तो DNA को पता नहीं कि ये हमारा DNA या किसी और का, तो वो उसको ब्रेक करेगा, तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे हम, अब न्यूक्लियस एंजाइम या फिर DNA एंजाइम को MG+ चाहिए, MG+2 यानी कि मैग्नीशियम चाहिए। अब जब EDTA डालेंगे तो क्या होगा, वो EDTA MG+2 को चिलेट कर देगा, यानी कि उसको इनहिबिट कर देगा, किसके पास जाने से, न्यूक्लियस के पास। अब वो न्यूक्लियस के पास नहीं जाएगा तो न्यूक्लियस अपना काम नहीं कर पाएगा, अगर न्यूक्लियस काम नहीं करेगा तो हमारा DNA सेफ रहेगा, तो इसके लिए हम EDTA यूज़ करते हैं। फिर SDS यूज़ करते हैं, रिमूव लिपिड मॉलिक्यूल एंड देयर बाय कॉज अ डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये क्या करता है, लिपिड को रिमूव करता है। हैविंग लाइस द सेल एंड द फाइनल स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ अ सेल एक्सट्रैक्ट इज रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल सेल डेब्रिस कंपोनेंट्स सच एज पार्शियली डाइजेस्टेड सेल वॉल
फ्रैक्शन कैन बी पेलेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन लीविंग द सेल स्टेट एज अ रीजनेबली क्लियर सुपरनेटेंट। तो अब क्या करेंगे, जैसे हमने सेल वॉल ब्रेक कर दिया केमिकल से, फिर करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा, जो सेल डेब्रिस है, जो टूटी फूटी सेल वॉल है, वो सब क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ऊपर सुपरनेट में क्या रह जाएगा, डीएनए रह जाएगा, क्योंकि वो लो मॉलिक्यूलर वेट है। लेकिन सिर्फ डीएनए नहीं रहेगा, डीएनए भी रहेगा, छोटे प्रोटीन भी रहेंगे और आरएनए भी रहेगा। तो ये रहा प्रिपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट का पूरा फिगर। तो सेल एनालिसिस में एक करेगा सेल वॉल डिस्ट्रप्शन और एक करेगा सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन। तो जैसे डिस्टर्ब हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, सेल एक्सट्रैक्ट आ गया, उसको करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये जो टूटा फूटा सेल वॉल है वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा पैलेट में, और डीएनए आरएनए प्रोटीन आ जाएगा सुपरनेटेंट में। तो अब हमें यूज़ क्या करना है, अब हमें यूज़ करना है सुपरनेटेंट। जब हमने पहले किया था हार्वेस्टिंग तब यूज़ किया था सेल पैलेट, लेकिन अब इसको यूज़ क्या करेंगे, सेल सुपरनेटेंट, क्योंकि अब हमारा डीएनए सुपरनेटेंट में है। प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अ सेल एक्सट्रैक्ट। तो हमने क्या कर दिया, अभी उसमें ले लिया हमारे दूसरे ट्यूब में वो सुपरनेटेंट, लेकिन सुपरनेटेंट में सिर्फ डीएनए नहीं है, प्रोटीन भी है और आरएनए भी, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। इन एडिशन टू डीएनए अ बैक्टीरियल सेल एक्सट्रैक्ट कंटेन अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। फर्स्ट ट्रीटमेंट द मिक्सचर विद द रिएजेंट विच डिग्रेड द कंटामिनेंट हैविंग अ प्योर सॉल्यूशन ऑफ डीएनए। तो हम पहली मेथड क्या कर सकते हैं, जो कंटामिनेंट है उसको डिग्रेड कर दो, यानी प्रोटीन को और आरएनए को डिग्रेड कर दो, पहली मेथड वो है। सेकंड यूज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी टू सेपरेट द मिक्सचर इनटू वेरियस कंपोनेंट सो द डीएनए इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोटीन एंड आरएनए इन एक्सट्रैक्ट। तो दूसरी बात, हम सेल को तोड़ेंगे नहीं, यानी कि प्रोटीन को हम तोड़ेंगे नहीं, लेकिन क्या करेंगे, कॉलम रन कराएंगे जिसमें क्या रहेगा, डीएनए रहेगा, प्रोटीन रहेगा और आरएनए रहेगा। तो फ्रैक्शन वाइज हम उसको प्योरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे दो मेथड से हम प्योरीफाई कर सकते हैं, तो जो कंपोनेंट यानी कि प्रोटीन और आरएनए उसको डिग्रेड कर दो तो हमारा डीएनए बच जाएगा प्योर फॉर्म में, या फिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी करो आयन एक्सचेंज, जिससे भी हमारा प्योर डीएनए हमको मिल सकता है। ये देखिए, या तो कर दो डिग्रेड, कंटामिनेट कर दो एंजाइम या फिर कुछ डाल के, या फिर उसको प्योर कर दो किसी भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी से। अभी पहला क्या है, पहला हम करेंगे उसको रिमूव बाय डिग्रेडेशन, उसकी पहली मेथड है रिमूविंग कंटामिनेंट बाय ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन एंड एंजाइम डाइजेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, द स्टैंडर्ड वे टू डी प्रोटीनाइज अ सेल एक्सट्रैक्ट टू एड 1:1 मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म, या फिर सिर्फ क्लोरोफॉर्म, यानी कि 1:1 क्लोरोफॉर्म एंड फिनॉल डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो प्रोटीन है वो डिग्रेड हो जाएगा। दिस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेसिपिटेट प्रोटीन बट द लीव द न्यूक्लिक एसिड इन द एक्वियस फेज, यानी कि जैसे ही हम फिनॉल क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर डालेंगे प्रोटीन तो डिग्रेड हो जाएगा, वो तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए एक्वियस फेज में बच जाएगा। ये देखिए सेल एक्सट्रैक्ट है, अब क्या हमने डाला, फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म डाला, तो अभी जैसे ही सेंट्रीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर लेयर बचेगा एक्वियस लेयर, जिसमें रहेगा डीएनए आरएनए, नीचे रहेगा फिनॉल, और बीच के एंटर फेज में जो कोएगुलेट हुआ हुआ प्रोटीन है वो हमको दिखेगा। तो इसमें हमें अभी क्या लेना है, एक्वियस फेज ले लेना है। फिनॉल एक्सट्रैक्शन, सेल एक्सट्रैक्ट विद द हाई प्रोटीन कंटेंट नीड अ सेवरल फिनॉल एक्सट्रैक्शन, यानी कि अगर ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट हो तो एक बार से नहीं, हमें 3-4 बार फिनॉल एक्सट्रैक्शन करता रहना चाहिए, बिकॉज अ सिंगल फिनॉल एक्सट्रैक्शन इज नॉट सफिशियंट टू कम्प्लीटली प्योरीफाई द न्यूक्लिक एसिड, बट इच मिक्सिंग एंड सेंट्रीफिकेशन स्टेप रिजल्ट इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्रेकेज टू द डीएनए मॉलिक्यूल। यानी कि जब भी हम हर बार सेंट्रीफिकेशन करते रहेंगे फिनॉल डाल के मल्टीपल टाइम, तो थोड़ा थोड़ा हमारा डीएनए टूटता रहेगा। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे लाए, तो एक काम कर सकते हैं कि फिनॉल की ट्रीटमेंट से पहले ही हम जो प्रोटीन है उसको थोड़ा बहुत डिग्रेड कर दे, तो जब भी फिनॉल आएगा तो वो एक साथ ही सब प्रोटीन को लेके जाएगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, हम एंजाइमेटिकली ट्रीट द सेल एक्सट्रैक्ट विद द प्रोटीनेज सच एज प्रोटीनेज के और प्रोटीनेज बिफोर फिनॉल एक्सट्रैक्शन। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो प्रोटीन है वो स्मॉल पेप्टाइड में कट हो जाएगा, और जैसे हम फिनॉल डालेंगे तो सारा कट हुआ प्रोटीन एक साथ ही कोएगुलेट हो जाएगा। दिस एंजाइम ब्रेक द पॉलीपेप्टाइड डाउन इंटू स्मॉल यूनिट्स विच आर मोर इजिली रिमूव बाय फिनॉल। सम आरएनए मॉलिक्यूल स्पेशली मैसेंजर आरएनए आर रिमूव बाय फिनॉल ट्रीटमेंट, बट मोस्ट रिमेन विद द डीएनए एक्वेस लेयर, यानी कि थोड़ा बहुत आरएनए उसमें रहेगा। द ओनली इफेक्टिव वे टू रिमूव द आरएनए इज द एंजाइम रिबोन्यूक्लियस। अब क्या करेंगे, हम रिबोन्यूक्लियस डाल देंगे एक्वेस फेज में, तो क्या हो जाएगा, आरएनए भी टूट जाएगा, तो प्रोटीन भी निकल गया, आरएनए भी निकल गया। अब क्या करेंगे, जैसे हमने फिनॉल ट्रीटमेंट दे दी, फिर आरएनएज वाली ट्रीटमेंट दे दी, तो सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो आरएनए के जो टुकड़े वो नीचे मिलेंगे, और एक्वेस में क्या मिलेगा हमें, यानी कि जो सुपरनेट में डीएनए मिलेगा।
डिग्रेड दिस मॉलिक्यूल इनटू रिबोन्यूक्लिक एसिड। अभी यह तो था हमने एंजाइमेटिकली या फिर रिमूविंग, अब क्या करेंगे हम प्यूरीफाई के बारे में बात करेंगे। हमने बात करी प्यूरिफिकेशन की, वो दो तरह से कर सकते हैं, एक तो जो कंटामिनेट है उसको डिग्रेड कर दो, जिसमें हमने मेथड देखी क्या प्रोटीनेज डालो और क्या डालो फिनॉल क्लोरोफॉर्म और लास्ट में डाल दो रिबोन्यूक्लिएज। अब बात करेंगे कि प्यूरीफाई कैसे करें बिना उसको तोड़े, तो यूजिंग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी टू प्यूरीफाई द डीएनए फ्रॉम अ सेल एक्सट्रैक्ट। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सेपरेट द मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू हाउ टाइटली दे बाइंड टू इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द क्रोमेटोग्राफिक मैट्रिक्स और रेजिन। तो आयन क्रोमेटोग्राफी के बारे में सेपरेटली मेरा वीडियो है कि उसका प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे वर्क करता है, तो उसके बारे में डीप में अभी बात नहीं करेंगे। मेनली आयन इसमें होता क्या है, एक होता है मैट्रिक्स, उसके साथ एक मॉलिक्यूल लगा हुआ होता है, उसके साथ जितनी ज़्यादा अफिनिटी हो वो मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड हो जाता है, और जब भी हम क्या करेंगे इल्यूजन करेंगे तो ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएगा। यही सीधी बात है, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतना जल्दी वो बाइंड हो जाएगा और उतना कम वो निकलेगा। द सिंपलेस्ट वे टू कैरी आउट आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज टू प्लेस द रेजिन इन अ ग्लास और प्लास्टिक कॉलम एंड देन एट द सेल एक्सट्रैक्ट। इफ द एक्सट्रैक्ट कंटेन वेरी लिटल सॉल्ट ऑल द नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल बाइंड टू द रेजिन एंड रिटेन इन द कॉलम। अभी हमारा डीएनए कैसा है, डीएनए है नेगेटिवली चार्ज, तो उसको अगर हमने रेजिन में रखा पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल, तो जैसे ही हम एक्सट्रैक्ट डालेंगे तो हमारा डीएनए सीधा चिपक जाएगा रेजिन के साथ, और दूसरा जो प्रोटीन और आरएनए है वो जल्दी से निकल जाएगा, और फिर क्या बचेगा हमारा कॉलम में डीएनए। फिर हम इल्यूजन करेंगे हाई सॉल्ट वाला कोई भी डालेंगे, हाई नेगेटिव चार्ज वाला, तो डीएनए की जगह वो ले लेगा और डीएनए बाहर निकल जाएगा। सिंपलेस्ट वे ये देखिए, यहाँ पे हमने सेलेक्शन डाला, अभी क्या करेंगे हम कोई और इल्यूजन करेंगे, और जिसकी वजह से लास्ट में हमें क्या मिलेगा फ्रेगमेंट डीएनए मिलेगा। इफ द सॉल्ट सॉल्यूशन इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन इज नाउ पास थ्रू द कॉलम द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विल इल्यूट इन द सिक्वेंस प्रोटीन आरएनए एंड फाइनली डीएनए। तो पहले निकलेगा प्रोटीन, फिर आरएनए, और फिर निकलेगा लास्ट में डीएनए। इफ टू सो सॉल्ट सॉल्यूशन आर यूज वन वुज कंसनट्रेशन इज सफिशियंट टू इल्यूट द प्रोटीन एंड आर एन ए लिविंग जस्ट द डी एन ए बाउंड फॉलो अ सेकंड हायर कंसनट्रेशन विच इल्यूट द, यानी कि इसमें क्या करेंगे हम या तो ग्रेजुअली बढ़ाएंगे यानी कि 1% सॉल्ट, 2% थर्ड परसेंट, या तो दो तरीके रखे रखेंगे 5% एंड 10%। जब 5% डालेंगे तो जितना भी प्रोटीन एंड आर एन ए वो निकल जाएगा, यानी कि कॉलम में अब बचा क्या डी एन ए, अब 10% डालेंगे तो वो भी निकल जाएगा, ये हम कर सकते हैं। अभी जैसे डीएनए बाहर आ गया तो डीएनए क्या होगा, अभी सॉल्ट में भी है यानी कि सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन ज़्यादा है और उसमें डीएनए कम है, तो हम क्या करेंगे उसको जमा करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मेथड ऑफ कंसनट्रेशन इज इथेनॉल प्रेसिपिटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट स्ट्राइकली स्पीकिंग मोनोवेलेंट कैटायन सच एन सोडियम आयन एट द टेम्परेचर ऑफ -20 degrees और लेस एब्सोल्यूट इथेनॉल एफिशिएंटली प्रेसिपिटेड पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड। कंडीशन क्या चाहिए, एब्सोल्यूट इथेनॉल -20 degrees Celsius एंड मोनोकेटायन, जब ये तीन चीज़ साथ में होगी तो वो डीएनए को प्रेसिपिटेट कर देगा। विद अ थिक सॉल्यूशन ऑफ डीएनए द इथेनॉल कैन बी लेड ऑन द टॉप ऑफ द सैंपल कॉजिंग मॉलिक्यूल टू प्रेसिपिटेट इन इंटरफेज। फिर हम उसको जैसे प्रेसिपिटेट हो गया तो फिर करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, तो ऊपर रहेगा कुछ नहीं, नीचे क्या रहेगा हमारा प्रेसिपिटेटेड डीएनए इथेनॉल के साथ। फिर इस प्रेसिपिटेट को ले लेंगे, उसको सुखा देंगे, जिसकी वजह से इथेनॉल है वो कहाँ वो इवोपरेट हो जाएगा। फिर जो हमें एक्स्ट्रैक्ट मिला उसको हम किसी भी पीबीएस या फिर किसी वफर में डिजोल्व कर देंगे, तो वो है हमारा प्योर डीएनए। अभी उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे कि हमारा डीएनए कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। डीएनए कॉन्सेंट्रेशन कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाई अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्बर्स एट द 260 nanometer। द अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द सॉल्यूशन ऑफ डीएनए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डीएनए इन सैंपल। यानी कि अभी क्या करेंगे हम 260 से उसका मेजरमेंट करेंगे, जितना ओडीआई है उतना ही हमारा कंसेंट्रेशन माइक्रोग्राम पर एमएल होगा। ये देखिए, अभी प्लांट में से करना हो तो कैसे करेंगे ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे, तो यहाँ तक हम रखते हैं बैक्टीरिया तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो इसमें कमेंट कर सकते हैं। इस सीरीज़ के साथ बने रहिए, आगे हम बहुत सारे और भी जो डीएनए आइसोलेट करने वाले हैं। थैंक यू।